Assalamu alaikum dear students, welcome back. Now we will read about the diagnostic evaluations of conjunctivitis. तो हम कैसे डायग्नोज करेंगे conjunctivitis को? यहाँ पे हम मेनली टाइप ऑफ डिस्चार्ज देखते हैं कैसा है. तो टाइप ऑफ डिस्चार्ज के बेस्ड पे हम फोर मेन क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं. सो फोर मेन क्लिनिकल फीचर्स आर इम्पॉर्टेंट टू इवेल्युएट टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज. फॉर एग्जाम्पल, नंबर वन इज वाटरी. अगर वाटरी डिस्चार्जेस हो फ्रॉम द आईज. नेक्स्ट इज म्यूकॉइड. म्यूकॉइड जहाँ पर रिजम्बलेंस हो टू द म्यूकस, म्यूकस लाइक फ्लूड डिस्चार्ज होंगे. नेक्स्ट इज प्यूरुलेंट कंसिस्टिंग ऑफ पस. नेक्स्ट इज म्यूकोप्यूरुलेंट जहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स हो या कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूकस एंड पस. म्यूकस भी हो, पस डिस्चार्जेस भी हो. ठीक है, दिस वाज नंबर वन. नंबर टू हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटल रिएक्शंस कैसे हैं. जैसे मैंने आपको बोला कंजक्टिवाइटल रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल फॉलिक्यूलर मैंने कहा, पैपिलरी हम मैंने कहा. तो बेस्ड ऑन दिस वी विल सी कि कहीं पे फॉलिकल्स तो नहीं प्रेजेंट है. ठीक है, नेक्स्ट पैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर्स मत है कहीं पे. क्लियर. नेक्स्ट इज नंबर थ्री इज बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लिम्फ एडिनोपैथी. तो कैसे देखेंगे? हम देखेंगे कि एनलार्जमेंट ऑफ प्री ऑरिक्यूलर एंड सब मैंडिब्यूलर लिम्फ नोड्स वो कहां प्रेजेंट होते हैं? वेयर आईलेट्स ड्रेन, जहां पे आईलेट्स ड्रेन आउट करते हैं. तो वी विल सी कि प्री ऑरिक्यूलर या सब मैंडिब्यूलर लिम्फ नोड्स है उनमें एनलार्जमेंट तो नहीं है. बाय दैट वी कैन ऑल्सो डिटेक्ट दैट कंजक्टिवाइटिस इज प्रेजेंट. दीज वर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट जो कंजक्टिवाइटिस का है इट डिपेंड्स ऑन टाइप. कौन सा टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस प्रेजेंट है अकॉर्डिंगली वी मैनेज इट. और जो मोस्टली मोस्ट टाइप्स ऑफ जो इसके माइल्ड और वायरल कंजक्टिवाइटिस हैं, टाइप्स ऑफ माइल्ड एंड वायरल कंजक्टिवाइटिस, दीज आर सेल्फ लिमिटिंग. अगर बंदा खुद ही एहतियात करे, कंटेमिनेटेड हैंड्स या हाथ अपनी आंखों की ओर ना ले, साफ पानी इस्तेमाल करे, ठीक है, एनवायरमेंटल हाइजीन रखे, तो दे आर सेल्फ लिमिटिंग. टाइम बाय टाइम ये खुद ही रिजॉल्व हो जाता है विद इन वन वीक और टू वीक्स. क्लियर. अब फॉर एग्जांपल अगर सीवियर केसेस हैं, फॉर मोर सीवियर केसेस तो यहां पे हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं. आई ड्रॉप्स आर यूज्ड और सम ऑइंटमेंट्स लाइक ऑप्थैल्मिक नियोस्पोरिन. क्लियर. अब फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है उसका गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस है ड्यू टू गोनोकोकल इन्फेक्शंस. तो यहाँ पे हमने अर्जेंट एंटीबायोटिक थेरेपी देनी होती है. वाई सो? बिकॉज अगर ये वाला टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस इज लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन लीड टू कॉर्नियल परफ्यूजन, परफोरेशन, और उस वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है. तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमने अर्जेंट एंटीबायोटिक थेरेपी का इस्तेमाल करना होता है. नेक्स्ट, वायरल कंजक्टिवाइटिस जो है वो देखा गया कि
type of conjunctivitis if it is viral due to some virus, it do not respond to any treatment. अब हम मैनेज कैसे करेंगे पेशेंट को, चाहे कोई भी टाइप ऑफ कंजक्टिवाइट्स है, हम कोल्ड कंप्रेसेस का यूज करेंगे, नेक्स्ट, एंड इट शुड बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट viral conjunctivitis is highly transmissible. मैंने कहा viral conjunctivitis जो है respond नहीं करता है किसी भी treatment को, मगर हम इसको prevent तो कर सकते हैं, हम cold compresses का use कर, not only in viral conjunctivitis, I am saying in overall, मगर यहाँ पे मैं थोड़ा focus दे दूँ viral conjunctivitis पे, क्योंकि viral conjunctivitis को देखा गया कि ये बहुत ही ट्रांसमिसिबल है, क्लियर? सो टू प्रिवेंट इट्स ट्रांसमिशन वी विल इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट इट्स कंटाजियस नेचर. पहले हम इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को अबाउट कंटाजियस कैरेक्टर ऑफ या कंटाजियस नेचर ऑफ डिजीज. वी विल इंस्ट्रक्ट द पेशेंट for hand washing. We will say the patient to avoid sharing hand towels, face towels, eye drops. We will say the patient to maintain environmental hygiene. नेक्स्ट, अगर हमने अब इक्विपमेंट्स का यूज किया है फॉर आई एग्जामिनेशन, सो डिसइंफेक्टेंट ऑफ या डिसइंफेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड. नेक्स्ट, आई स्पेक्स का इस्तेमाल करेंगे या कूल वेंटिलेशन. इससे क्या होता है, कंफर्ट मिलता है पेशेंट को बाय डिक्रीजिंग स्वेलिंग. क्लियर? अब फॉर एग्जांपल, अगर कंजक्टिवाइट्स आर ड्यू टू केमिकल इरिटेंट्स, अगर केमिकल इरिटेंट्स कोई कॉज है फॉर द कंजक्टिवाइट्स, so eyes should be irrigated immediately and profusely. किससे हम इरिगेट करेंगे, किससे हम वॉश करेंगे आंखों को अगर केमिकल इरिटेंट्स कोई कॉज रहा, विद सलाइन और स्टराइल वाटर. हम नॉर्मल स्लाइम का यूज करेंगे या स्टराइल वाटर का यूज करेंगे. दिस वॉज ऑल अबाउट कंजक्टिवाइट्स. थैंक यू.